हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपने पुनर्गठन को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के सभी जिलों में पुनर्गठन के साथ विस्तार किया जा रहा है। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष निक्का सिंह पटियाल ने बताया कि दिल्ली हाईकमान से निर्देश आए हैं कि जल्द पूरे प्रदेश में फरवरी माह में संगठन को तैयार किया जाए, जिसके लिए पार्टी के सभी पदाधिकारी जुटे हुए हैं। इसी के तहत हाल ही में पोंटा साहिब में भी 3 विधानसभा में संगठन के पदाधिकारियों की तैनाती की गई है और आगामी दिनों में भी आप पार्टी पूरे प्रदेश में संगठन के पदाधिकारियों की तैनाती करेगी। साथ ही इस बार पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में भी आप पार्टी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो संगठन के पुनर्गठन के हिसाब से रखी गई है, क्योंकि संगठन को पुनर्गठन की बहुत सख्त जरूरत थी। बहुत सारे नए लोग भी जोड़े गए हैं, पुराने साथी कुछ छूटे हुए थे उनको भी जोड़ा जा रहा है, इसलिए इसका पुनर्गठन किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं, संगठन का विस्तार भी साथ साथ में किया जा रहा है। संगठन का विस्तार माने जैसे हम विधानसभा वाइज भी कार्यकारिणी भी गठन कर रहे हैं और राज्य कार्यकारिणी का भी एक्सपांशन कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे विंग अभी बनाए हैं हमने। महिला विंग भी है, एससी विंग भी है, एसटी विंग भी है, ओबीसी विंग भी है और बहुत सारी इस तरह की कोई भी पेंशनर विंग है, किसी भी विंग को अभी हमने नहीं छोड़ा है। सब लोगों को जोड़ने की इसमें कोशिश की गई है, क्योंकि अभी दिल्ली का इशारा ये है कि जल्दी से जल्दी हमारे मतलब जो प्रभारी हैं मिस्टर रत्नेश गुप्ता जी, उनकी तरफ से हमें हिदायत है कि जल्दी से जल्दी एक डेडलाइन उन्होंने दी है कि फरवरी मार्च तक पूरे प्रदेश का संगठन एकदम खड़ा हो जाना चाहिए। इसलिए हम अभी मैं प्रदेश के दौरे और जगह भी कर रहा हूँ, जैसे अभी ताजा ताजा मैं पोंटा साहब गया था, पोंटा साहब में दर्शन करके उसके बाद वहाँ 3 विधानसभाओं का पुनर्गठन भी किया, जिला अध्यक्ष का भी नियुक्ति करी। इसके साथ आगे मैं जोड़ता हूँ, अब हमें आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष निक्का सिंह पटियाल ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गत दिनों ऑक्सीमीटर की खरीद में घोटाला होने का अंदेशा जताया है और आपदा प्रबंधन के उपकरणों में भी खरीद में घोटाला होने की आशंका है, जिसको लेकर आप पार्टी आगामी दिनों में सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार करेगी। एक बहुत बड़ा यहाँ घोटाला हुआ है स्वास्थ्य मंत्रालय में कि जो आम आदमी पार्टी ने ऑक्सीमीटर बांटे थे उसकी बाजार की कॉस्ट लगभग 500-600 रुपए है और हिमाचल सरकार ने वो लगभग मेरे सुनने में आया है कि 3000 रुपए में वो परचेज किए गए हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला है, अगर इसकी जांच करवाई जाए इसमें भी हम सरकार को घिरने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं, सरकार की घेराबंदी ऑक्सीमीटर के बाद हम प्रबंधन राशि का अभी कुछ गलत तरीके से आवंटन हुआ है, आपदा प्रबंधन जो है उसका जो आवंटन हुआ है उसमें भी हमें घोटाला नजर आता है। दूसरी बात यह है कि अभी जैसे आम आदमी पार्टी ने किसानों के मुद्दे में किसानों का साथ देने के लिए हमारे केजरीवाल जी ने मोदी सरकार ने केजरीवाल जी से 5 स्टेडियम जेल बनाने के लिए जो है ना मांगे थे, किसानों को जेल बनाने के लिए मांगे थे, उसमें उन्होंने एक कड़ा स्टैंड लिया कि मैं नहीं दूंगा स्टेडियम और उन्होंने नहीं दिए और वो आम आदमी पार्टी को लेके मतलब किसानों के पक्ष में खड़े हुए हैं। तो हम यहाँ भी आह्वान करते हैं, हम सभी लोग किसानों के पक्ष में खड़े हैं, हिमाचल का विंग भी किसानों के पक्ष में खड़ा है।
निका सिंह पटियाल ने कहा कि इस बार पंचायत चुनावों में भी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी मैदान में उतारे जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही नगर निगम और नगर निकाय चुनावों में भी आम आदमी पार्टी मैदान में उतरेगी और उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सब चुनाव में हिस्सा लेंगे। सर, पंचायत इलेक्शनों के लिए हम पहले भी अनाउंस कर चुके हैं, आज फिर मैं बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम पंचायत इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। सिंपल तो होता नहीं है पंचायत इलेक्शन में, बट ये तो आपको मेरे ख्याल में जानकारी है या हमसे ज्यादा जानकारी है कि मान लो हम चार पांच आदमी बैठे हैं, अंडरस्टूड है, टोपी लगाएंगे तो पैसे पहचान हो जाएगी, बाकी बैनर तले तो कोई भी इलेक्शन नहीं होता है। मोटे मोटे तौर पर लोगों को याद होता है कि ये लोग अभी आम आदमी पार्टी से हैं तो आम आदमी पार्टी इलेक्शन।